आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला वेजिटेबल खिचड़ी और हम इसे खुले में पकाएंगे बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ। स्वाद ऐसा कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। देखिए कितना परफेक्ट बिल्कुल स्वादिष्ट खिचड़ी बनके रेडी हो गई है और इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है, देख के बिल्कुल मुंह में पानी आ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सेम क्वांटिटी में दाल और चावल लिया है। एक कटोरी दाल और एक कटोरी मैंने चावल लिया है। क्वांटिटी बिल्कुल आपको सेम रखना है। चावल आप कोई भी ले सकते हैं या इसमें आप छोटा चावल ले सकते हैं या बासमती चावल भी ले सकते हैं। दाल मैंने मूंग का रखा है, मूंग का दाल काफ़ी हेल्दी होता है तो इसीलिए मैंने मूंग का दाल लिया है खिचड़ी बनाने के लिए। और मैंने दोनों को एक बॉल में डाल दिया है। अब हम इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए फूलने के लिए। तो 5 मिनट में ये फूल जाएगा। जब तक हम कुछ वेजिटेबल्स काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ चॉप करके रख लिया है। अब हम यहाँ पे एक खुला बर्तन ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पतीला लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। अब पतीला गर्म हो चुका है, इसमें तेल डाल देंगे। आप देसी घी भी डाल सकते हैं बट मैं देसी घी बाद में यूज़ करूँगी, अभी मैंने तेल का यूज़ किया है। तेल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता और अदरक चॉप किया हुआ डाला है। हम उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी साथ ही डाल दिया है। 2 हरी मिर्च मैंने कटा हुआ डाल दिया है। अभी इसमें साथ में ही हम प्याज डाल देंगे। प्याज को कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्का गोल्डन होने के लिए। गोल्डन ब्राउन तक हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। अब हम एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब साथ ही हम मसाला डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। मैंने हरी मिर्च भी डाला था इसलिए मैंने मिर्च कम डाला है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। अब हम सारे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सब्जी अच्छे से फ्राई मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। काफ़ी अच्छे से मैंने मसाला को फ्राई कर लिया है। अब हम एक एक करके सब्जियां जो कट कट के रख रखा था वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटा हुआ आलू डाला है, 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मटर डाला है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गोभी कट करके रखा था तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 मैंने गोभी के पीसेस डाले हैं। आप अपने पसंद की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं है आप इस सब्जी को हटा भी सकते हैं। हम सारी सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ कटा हुआ पालक डाल दिया है, थोड़ा सा। पालक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैंने पालक का साथ में यूज़ किया है। अगर आप लोग को पसंद हो तो आप लोग पालक डाल सकते हैं, नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे चावल और दाल को भिंगो के रखा था अब हम वो भी डाल के अच्छे से मसाले में फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए। अगर हम मसाले और सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो हमारा खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमें बिल्कुल कम मसालों में परफेक्ट खिचड़ी बनाना है, बहुत ही टेस्टी। अब हम यहाँ पे 3 गिलास नाप के पानी डाल देंगे बड़े गिलास से। तो ये देखिए मैंने नाप के डाल दिया है अच्छे से सब्जी फ्राई होने के बाद। अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
काफ़ी अच्छे से नमक को इसमें मिक्स कर देना है, और मिक्स करके अब इसे हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे ढक के एक प्लेट से एक उबाल आने के लिए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब गैस को हम स्लो कर देंगे क्योंकि हम पतीला में बना रहे हैं, हम हाई फ्लेम रखेंगे तो पतीले में खिचड़ी चिपक जाएगा, तो इसलिए हमें स्लो फ्लेम पे बनाना है। और बीच बीच में आपको चलाना है, इसे मिक्स करते रहना है, चेक करना है आपको खिचड़ी कितनी पक गई। तो देखिए 50% पक चुकी है, अभी 50% और पकनी बाकी है। अगर आप इस तरीके से खिचड़ी बनाते हैं तो आपकी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनता है, आप लोग के लिए, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत ही स्वाद आता है। इसी तरीके से हमें बीच बीच में मिक्स करते रहना है, खिचड़ी को चेक करना है कि कितना पका है और पतीले में तो नहीं चिपक रहा है। तो खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्राई पैन रख दिया है। अब हम यहाँ पे देसी घी का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हींग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हींग लिया है थोड़ा सा, 1 लाल सूखी मिर्च ली है जिसको मैंने तोड़ दिया था, 2 तेज पत्ता लिया है छोटे साइज का, और हम यहाँ पे अब इसका तड़का लगाएंगे। हींग डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है खिचड़ी में, गैस वगैरह आपको नहीं बनता है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। देसी घी और हींग से बहुत ही अच्छा खुशबू आने लग जाता है। खिचड़ी में तड़का ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैंने ये देखी खिचड़ी में तड़का लगा दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट